महाराजगंज में पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा की सरकार आपके जिले, गांव, शहर और विधानसभा क्षेत्र का तो विकास कर ही रही है। भाजपा को मिलने वाला आपका हर वोट देश को मजबूत करेगा। घोर परिवारवादी लोग प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। वे गरीब की तकलीफ कभी नहीं देखते, समझते। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम की लहर अब पूर्वांचल में पहुंच चुकी है। इस बीच पीएम के भाषण में सीमा सुरक्षा की बात बार बार सुनी गई। उन्होंने कहा कि खेती से लेकर मिलिट्री तक, समंदर से लेकर स्पेस तक, भारत को हर क्षेत्र में शक्तिशाली बनना है। इसलिए देश के इतने बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। इस कोरोना काल में आप लोगों ने देखा है कि कैसे इन लोगों ने भारत के आत्मविश्वास को चोट पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, मैं आज आप सबसे यही कहने आया हूं कि आपको इन घोर परिवारवादियों से सावधान रहना है। जिन जिलों को इन घोर परिवारवादियों ने जितना पीछे धकेला, उनके विकास के लिए हम उतनी ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर और शक्तिशाली भारत की ताकत है, लेकिन ये घोर परिवारवादी भारत को ताकतवर नहीं देखना चाहते। कुछ न कुछ रोड़े अटकाते रहते हैं, इसलिए इस चुनाव में एक बार फिर इन्हें हराना है। महाराजगंज का एक क्षेत्र सीमा से लगा हुआ है। सीमा पर शांत क्षेत्र हो या चुनौती भरा, वहां रहने वाला बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि देश के सामर्थ्य का कितना महत्व होता है। जितना ज्यादा देश का सामर्थ्य, उतना ही सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाला सुरक्षित। भारत को ताकतवर बनाना है ना, आपका वोट बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इस बार आपका वोट समर्थ देश के लिए, सशक्त उत्तर प्रदेश के लिए है। ये घोर परिवारवादी लोग कभी भी भारत को समर्थ नहीं बना सकते, यूपी को सशक्त नहीं बना सकते।